भारत संत फकीरों और ऋषि मुनियों की संस्कृति का देश है। यहाँ की परंपरा आदिकाल से वेद शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में मिलती है। ऋषि मुनियों की अनवरत साधना कठोर तप से ही उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ईश्वर की सच्ची लगन ने उन्हें संत की श्रेणी प्रदान की। हमारी इसी संत परंपरा में संत सूरदास की भक्ति शक्ति और दिव्य दृष्टि अपूर्व है। भगवान श्री कृष्ण से लगन और प्रेम ने संत सूरदास को अंतर्दृष्टि का अवलोकन करने की दिव्य दृष्टि प्रदान की, परम सिद्धि प्रदान की। नेत्र में दृष्टि न होते हुए भी संत सूर को भूत वर्तमान और भविष्य के संपूर्ण दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ। ईश्वरीय दृष्टि प्राप्त हुई। भविष्य दृष्टा बन गए संत सूरदास। सूर की यह दिव्यता उनकी रचनाओं में परिलक्षित है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त संत सूरदास ने जिस कालयुग के दर्शन सदियों पूर्व किए वो प्रतीत होता है यही समय है। कालचक्र के यही वो क्षण हैं। वर्तमान में चल रहे इसी ग्रह योग को अपनी रचनाओं में उन्होंने इंगित किया। संत की वाणी यह भी कहती है, संत सूर की रचना में कहीं ना कहीं ये संकेत हैं, पृथ्वी पर धर्म का छेड़ होना विपदा का कारण बनेगा। असत्य के मार्ग पर जब बढ़ते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में पड़ते हैं, ईश्वर से दूर होते जाते हैं, जब पूजा ध्यान से हटते हैं, वहीं से हानि प्रारंभ होती है, विनाश की ओर चल पड़ते हैं। धर्म शास्त्रों का यह नियम व्यक्ति परिवार समाज देश दुनिया पर एक साथ एक ही तरह से लागू होता है। संत सूर की दिव्य दृष्टि कहती है, काल चाल से बचने का एक ही उपाय है, ईश्वर का ध्यान गुरु का ध्यान। जो गुरु ध्यान धरे रे,
संत सूरदास की रचना के हर पद में दृष्टिगोचर है कि मनुष्य से कहीं ना कहीं भूल हुई है, महा त्रुटि हुई है। प्रभु रुष्ट हो गए हैं। ध्यान लगाकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना होगा। सहस्त्रों वर्ष लगेंगे सतयुग आने में। पृथ्वी फलेगी फूलेगी, धर्म का मार्ग स्थापित होगा, परिलक्षित होगा, पल्लवित और पुष्पित होगा। ईश्वर हमें हर कष्ट से मुक्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया की अवधारणा को आइए धारण करें। सर्व मंगल की कामना करें। महामारी के संकट से विश्व को बचाने की प्रभु से याचना करें।